घातक दिल की स्थिति के पीछे जीन पाया, वैज्ञानिकों का कहना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने जॉन की पहचान की है जो एक घातक हृदय की स्थिति का कारण बनती है, जो केवल हृदय या फेफड़ों के प्रत्यारोपण से ठीक हो सकती है। पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचाप 5 साल में प्रभावित 50% लोगों को मारता है, लेकिन कुछ लोगों में हालत का कारण होने के कारण बहुत कुछ पता नहीं था। अब विशेषज्ञों का कहना है कि बीमारी के कारण 5 जीनों की खोज हुई है। शोध के कारण बीमारी और आखिर में नए उपचारों का पता लग सकता है, शोधकर्ताओं का कहना है। पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचाप PAH वर्तमान में ब्रिटेन में लगभग 6,500 लोगों को प्रभावित करता है और दिल से रक्त फेफड़े से लेकर अपने फेफड़ों तक ले जाने के लिए धमनियों का कारण बनता है और अंततः हृदय की विफलता का कारण बनती है। इसका अक्सर उन लोगों में निदान किया जाता है जिनके पास अन्य हृदय या फेफड़ों की स्थिति होती है, लेकिन यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है और लगभग 5वें लोगों में कोई स्पष्ट कारण नहीं है। केवल इलाज दिल का एक प्रत्यारोपण और विशेष रूप से फेफड़े है, लेकिन अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची है और शरीर अंततः उन्हें अस्वीकार कर देगा, खासकर फेफड़ों के मामले में। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित इस नवीनतम शोध के लिए वैज्ञानिकों ने बीमारियों का कारण अज्ञात था जिन्हें 1,000 PAH रोगियों के जीनोम का विश्लेषण एक व्यक्ति के DNA का अनूठा अनुक्रम विश्लेषण करके सबसे बड़ा अनुवांशिक अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि 5 जीनों में उत्परिवर्तन इन लोगों में बीमारी के कारण जिम्मेदार थे, जिनमें 4 जॉन शामिल थे जिन्हें पहले बीमारी में शामिल नहीं किया गया था। हालत वाले लोगों में ये जॉन शरीर के ऊतकों की संरचना, कार्य और विनियमन के लिए आवश्यक प्रोटीनों को प्रभावी तरीके से उत्पन्न करने में असफल रहे हैं, शोधकर्ताओं ने पाया। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन में कागज और प्रोफेसर के प्रमुख लेखक निक मुरेल ने BBC समाचार को बताया, नए जीनों में इन नए जीन और म्यूटेशन की प्रकृति की पहचान करने से आपको पता चलता है कि बीमारी का कारण क्या होता है। यह आपको डिजाइन करने और बीमारी के उपचार के संभावित नए तरीकों के साथ आने की अनुमति देता है, क्योंकि आप वास्तव में अच्छी तरह से तैयार किए गए ज्ञान के बारे में जानते हैं कि इन कारणों में आप वास्तव में किस कारण हैं। पश्चिम लंदन से वेंडी कैलाग ने 2013 में PAH का निदान किया था, जब डॉक्टरों ने लगातार सीने में संक्रमण के बारे में चिंता की। उसकी बहन 27 साल पहले की उम्र से 36 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी और उसकी दादी भी इसी तरह की हालत से मर गई थी। वेंडी, जिन्होंने परीक्षण में भाग लिया, को बताया गया है कि उनकी बीमारी का आनुवंशिक संस्करण है और अब यह जानने की प्रतीक्षा कर रही है कि उनकी बेटियों और पोते ने एक ही घातक स्थिति को विरासत में ले लिया है। 58 वर्षीय ने कहा, यहाँ तक कि बच्चे भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में और अधिक जागरूक होना चाहिए और संकेतों की जांच करना चाहिए, और यदि वे सोचें कि उनका बच्चा ठीक नहीं है तो इसके साथ रहें। विशेष रूप से यह परिवारों में चल रहा है। कुछ लोगों को अगर वे नहीं जानते हैं कि उन्हें अगली पीढ़ी पर उन जीनों को पारित कर सकते हैं, वेंडी ने कहा। अनुसंधान 100,000 जीनोम परियोजना के लिए एक पायलट अध्ययन का हिस्सा था, कैंसर की आनुवंशिकी और दुर्लभ रोगों को समझने पर एक बड़ी पहल पर केंद्रित। प्रोफेसर मोरेले ने कहा कि इस तरह के आनुवंशिक अध्ययन हमें दुर्लभ रोगों की समझ को बदलने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अक्सर दुर्लभ रोगों वाले लोग बहुत से विशेषज्ञों के पास जाते हैं, हर कोई उनके सिर को खरोंच कर रहा है, हम नहीं जानते कि इसका कारण क्या है, इसलिए इसके लिए कोई इलाज ढूंढना मुश्किल है। अब आनुवंशिक अनुक्रम में सक्षम लोगों को पैमाने पर दुर्लभ रोगों वाले लोगों को क्लिनिक और
परिवारों में आनुवांशिकी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और यह आपको इस बीमारी का कारण भी देता है जिसे आप संभावित रूप से कुछ कर सकते हैं। डेरिन ग्रिफिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के प्रोफेसर जो अध्ययन में शामिल नहीं थे ने कहा कि शोध 100,000 जीनोम परियोजना की बड़ी सफलताओं में से एक था। उन्होंने कहा बीमारियों में दुर्लभ आनुवांशिक विविधता की भूमिका का अध्ययन करके हम रोग विकृति के बारे में बेहतर समझ पाते हैं जो जल्दी निदान और उपचार पद्धतियों को सिलाई में सहायता कर सकते हैं।